to work out for the relationships. I think so. The relationships get more complicated if there is a dark line. डार्क लाइन नहीं होनी चाहिए क्योंकि रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. और जैसे कि आप कहते हैं घर में तनाव सा हो जाता है, सास ससुर या यू नो हस्बैंड के साथ झगड़े, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम आती है. एंड देयर शुड नॉट बी डॉट्स ऑल्सो, ऐसे ये ट्रायंगल्स तो बनने नहीं चाहिए. इफ दिस हार्ट लाइन इज हैविंग त्रिशूल लाइक दिस, अगर त्रिशूल है तो दिस पर्सन इज अ लिटिल बिट मोर स्टेबल इन हिज लाइफ एंड ही कैन हैंडल मैनी थिंग्स एट वन टाइम, लाइक हिज एटीट्यूड, हिज मीन्स हिज पर्सनैलिटी, ही कैन हैंडल सो मैनी थिंग्स, हिज इमोशंस, हिज ही विल नॉट बर्स्ट आउट, लाइक ही विल बी साइलेंट. He will be more silent, he or she. जो त्रिशूल होता है, एंड यू नो त्रिशूल मीन्स शिवाज पावर, दैट दिस पर्सन इज ब्लेस्ड विथ लॉर्ड शिवा, दैट ही इज ब्लेस्ड पर्सन, दैट यू नो इफ दे आर हैविंग अ त्रिशूल देन उनके लाइफ में कुछ गलत सी चीजें होते होते रह जाती है. मतलब कुछ ऐसे गलत होता नहीं है, बस साइड से ऐसे निकल जाता है जैसे कि होने वाला था पर अच्छा हुआ नहीं हुआ. ये जो है ना, ये सब ये जो लॉर्ड मतलब भगवान के इन पे मीन्स बहुत कृपा मीन्स कृपा होती है. वी कैन से ही द पर्सन इज मोर ब्लेस्ड विद लॉर्ड शिवा. If the heart lining having a Vishnu, and that's we can tell that he's blessed with Vishnu, Lord Vishnu. So, किसी ना भगवान की हम पर एक दयासी होती है. And मैंने last video में बताया था कि fate line जो है वो यहाँ से जाती है सीधी, तो यहाँ से heart line है. पर यहाँ और ये जो है यहाँ से लाइफ लाइन जाती है आपकी. दिस इज योर लाइफ लाइन, इस लाइफ लाइन जाती है. अगर यहाँ ऐसा स्वस्तिक बन जाए जो कि फेट लाइन माइंड लाइन को ज्वाइन होके, मतलब ये जो बना नहीं है मेरे से ठीक से, पर यहाँ इफ देर इज अ स्वस्तिक देन द पर्सन विल मतलब एक बार तो इस इंसान को धन लाभ होना ही है. मतलब इस इंसान को बहुत सा मतलब पैसा, यू नो ही विल गेन मोर मनी विथ हिज मतलब करियर थ्रू या किसी थ्रू, पर धन जो है वो बहुत आएगा. एंड स्वास्तिक मतलब यू नो लॉर्ड शिवान लॉर्ड गणेशा की एक कृपा होती है उन लोगों पे, कुछ गलत नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा कृपा रहती है. बट यू नो स्वास्तिक इज लाइक शुभ, ये हाथ पे बहुत एक शुभ चिन्ह कह सकते हैं हम लोग. और ऐसे बहुत सी चीजें हैं स्वस्तिक रिलेटेड. एंड स्वस्तिक वाले लोग मतलब थोड़े से धार्मिक, ज्यादा धार्मिक होते जाते हैं. और मतलब इस लाइफ में एक बार तो भी उनको ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाती है. मतलब ही विल गेन मोर ज्ञान अबाउट यू नो सन्यासी लोग जो रहते हैं. For example, the Brahma Kumaris, they provide, they give gyans to people. तो ऐसे ज्ञान के इन लोगों को प्राप्ति जल्दी हो जाती है, बहुत जल्द उम्र में हो जाती है. We can say, तो आज मैंने ये बताया है आपको. तो heart line के तो बहुत से मतलब rules है. If it is straight, that person don't tell his emotions. If it's curve and it's go to Jupiter or Saturn mountain, then you know the person burst out his emotions very fast. एक बोल सकते कि उसे रोना बहुत जल्दी से आता है, तो वो रो जाता है. So if there is a parallel line, it's good that that person is having a support from his life partner, and there should be not spreads, dots and triangle. The signs are not good because they indicates very negative things in
लाइफ इन योर फ्यूचर, आई थिंक सो. बट ज़्यादा स्प्लिट्स नहीं होने चाहिए, थोड़े से ठीक है, क्योंकि मन तो मन उनका ज़्यादा चंचल वी कैन से हो जाता है. इतना भी बुरा नहीं है स्प्लिट्स होना, पर देर शुड बी अ स्मूथ एंड स्ट्रेट लाइन, नॉट स्प्लिट्स ऑलवेज. लिटिल बिट स्प्लिट्स आर इट्स ओके, इतना भी नेगेटिव इंडिकेशंस नहीं देते ये. एंड बट जो डार्क हार्ट लाइन है, दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन देयर लाइफ. एंड त्रिशूल के बारे में मैंने बताया, विष्णु के बारे में बताया, और एक लाइन है जो ये हार्ट लाइन जो सीधा जुपिटर की तरफ जाती है ना, दे हैव अ गुड 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 मैरिज, आई थिंक सो. उनकी जो शादी मीन्स गुड मैरिज लाइफ हो जाती है. और ऐसे बहुत सी चीजें हैं, और हार्ट लाइन की जो काउंटिंग्स है ना, तो वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है. लाइक वी कैन से 4, 6, 8, तो ये जो है यहाँ से काउंटिंग हो जाती है. और हार्ट लाइन के ऊपर ही यहाँ जो है ना, यहाँ हमारे सारे क्रश लाइन्स एंड मैरिज लाइन्स जो होती है वो यहाँ जाती है, तो कोई यहाँ जाती है. आई विल टेल यू अबाउट मैरिज लाइन्स बट इन माई नेक्स्ट वीडियो. फॉर टुडे आई वॉज गोइंग टू टेल यू अबाउट हार्ट लाइन्स. और मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत से टाइप्स बताए हैं आपको. ये हार्ट लाइन बस इंसान की इमोशंस बताता है कि इंसान का जो मन है वो कैसा होता है, क्या चाहता है, लाइन कहाँ जाती है, नीचे की तरफ ज्यादा, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड साइन, और ऊपर की तरफ होती है तो किसी की यहाँ होती है. तो मीन्स इट्स पर्सन गेट्स बैलेंस इन हिज लाइफ, एंड आई थिंक सो देर आर मेनी टाइप्स इन हार्ट लाइन्स. किसी का त्रिशूल बन जाता है यहाँ पे, तो इट्स गुड. You have a Lord Shiva's power and person is a balance with his personality. He can handle many things at one time. And if it's having Vishnu, it is also good. And see, the line should be a smooth. And you know, if the heart line is having like you, like this, like curve, like ye aisa hota hai na? Aisa hota hai. Unko bhi thoda sa struggling part hota hai life mein. तो दोस्तों आज तो मैंने इतना बताया आपको कि हार्ट लाइन होती क्या है. आई थिंक सो आई हैव गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट यू अबाउट हार्ट लाइन. एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द मैरिज लाइंस, हाउ दे गोज ऑन हार्ट लाइंस और दे गोज अपवर्ड. तो किस वक्त पे ये 25, 20, 19, ये मतलब कब शादी होती है, या आपके क्रश कितने सारे होते हैं. यू कैन टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो कि आपका क्रश कौन था, किस समय था. सो बहुत सी चीजें हैं जो हाथ से ही पता चलती है. तो ये जो मैंने बहुत फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के हाथ देखे हैं, तो ये बहुत मतलब करेक्ट तो निकलता ही है पामिस्ट्री, क्योंकि ये मैंने बहुत इस पे पढ़ाई की है. सो काफ़ी दोस्त बिलीव भी करते हैं. इसी बिलीव करने या नहीं करने जैसी चीज़ तो है नहीं, सब हाथ पे है. जैसे सब चीज़ों का एजुकेशन होता है, वैसे पामिस्ट्री का भी एक पढ़ाई है जो करनी है. ऐसे कुछ नहीं कि अंधविश्वास है या विश्वास है. देखो फ्यूचर तो अपना हाथ पे ही होता है, अपने लाइन्स पे होता है. हार्ट लाइन, हेड लाइन एंड मैनी मोर लाइन्स, फीट लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और ये जो छोटे छोटे लाइन्स होती हैं आपके हाथ पे, कुछ ज़्यादा ही आती हो तो समझ लीजिए इंसान बहुत सोचता है, करता कम है पर सोचता ज़्यादा है. इफ़ दे आर डार्क देन समझो कि इंसान बस एक ही चीज़ पे सोचने लगा है वो, और वो 10 दिन वही चीज़ सोचता ही बैठता है. सो इतना तो नहीं सोचना चाहिए, पर ऐसे. सो लाइन्स के बारे में तो बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल.
I'm Rekha and I will come with more videos for you guys. In my next video, I will tell you about marriage lines. Goodbye.